हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा नया मोबाइल खरीदाने वाला है, ये मेरे लाइफ का पहला मोबाइल है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये मोबाइल मेरा खरीदाने वाला है। तो मोबाइल मेरा 28,000 का खरीदा रहा है। मैं पिछली साल 2021 के मार्च के महीने से थोड़े थोड़े पैसे जुटा रहा था अपने मोबाइल ख़रीदने के लिए। पापा ही दे रहे थे मेरे को कि रखते जाओ और फिर 2022 के मार्च में खरीद लेंगे मेरे को। तो वही पापा मान नहीं रहे थे मोबाइल ख़रीदने के लिए। पापा का कहना ये था कि 8-10 हज़ार का मोबाइल लो। पापा को ये सब मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पता है। उनको फ़ोन सिर्फ वो यूज़ करते हैं फ़ोन से किसी से बात ही करने के लिए, बाकी वो सब कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए, लेकिन मेरे को तो चाहिए था अच्छा मोबाइल, क्योंकि मेरे को उससे पढ़ाई भी करनी थी, एडिटिंग भी करनी थी, अपलोडिंग, शूटिंग, सब कुछ उसी मोबाइल से होगा। तो इसीलिए मम्मी से मैंने बोला और मम्मी और मैंने मिलकर पापा को मना लिया है। एक और चीज़ आ रहा है, मेरा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड मेरी दीदी खरीद रही है, पापा ने बड़ी वाली दीदी जिसकी शादी हो गई, वो खरीदेगी मेरे लिए ट्राइपॉड। मतलब ऑनलाइन भेज रही है, वो आ जाएगा कल परसों तक। तो ट्राइपॉड और मोबाइल, अब मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस जब मेरा मोबाइल आएगा, अभी नहीं जाएंगे हम लोग ख़रीदने, क्योंकि अभी पापा भी घर पर नहीं है। पापा 5 बजे आएंगे शाम को, और मैं भी अभी स्कूल से आया हूँ, आज लास्ट एग्ज़ाम था। 15 दिन से एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए आज 15 तारीख है, इसीलिए आज ही मोबाइल खरीदा रहा हूँ। तो मेरा मार्च के शुरुआत में ही मोबाइल खरीदा गया रहता। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, आज अभी स्कूल से आया हूँ, जाऊँगा मैं भी, थोड़ा सोऊँगा, सो के उठूँगा, पापा आ जाएंगे, खाना खा लेंगे, तब हम लोग जाएंगे मोबाइल खरीदने। मोबाइल जब मेरा आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा मोबाइल। वीडियो छोड़ के आप लोग जाइएगा, वीडियो में बने रहिए, आप लोग मेरा मोबाइल देखिए। मोबाइल यानी कि मेरा पहला प्यार, वो मोबाइल मेरा पहला प्यार है। तो बस गाइस, मैं बहुत बकर बकर करता हूँ ना, क्या करूँ, बकर बकर करने की आदत हो गई है कैमरे के सामने। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, 4-5 दुकान घूमने के बाद ये मेरा मोबाइल आया है। पापा ना हर दुकान पे जाके यही बोल रहे थे कि मेरे को 28 में ही चाहिए, लेकिन आखिरकार जिस दुकान पे हम लोग पहले गए उसी दुकान पे हम लोग लास्ट में फिर गए, और 28,500 का ये पड़ा। इसकी असली प्राइस तो वैसे 30,000 है। तो अभी मम्मी मेरा बहुत साथ दिए हैं ये मोबाइल मेरा लाने के लिए। वैसे वहाँ पे एक बार खुल चुका है, क्योंकि वो सेटअप वटअप हुआ ना फ़ोन का, लेकिन अब एक बार और थोड़ा सबके सामने अभी मैं खोला नहीं हूँ, अनबॉक्सिंग करता है। मम्मी टीका लगे खड़ी हैं, टीका लगाएंगी मम्मी, थोड़ा टीका लगा दो यहाँ पे, छोटा सा यहाँ पे बस। इधर लाओ दीदी, थोड़ा यहाँ दिखाओ, भगवान जी, भगवान जी। आप लोग सोच रहे हो कि मोबाइल का इतना क्यों हो रहा है, लेकिन आप लोग को पता नहीं है, हम लोग के घर पे ये सबसे महंगा मोबाइल का रिकॉर्ड है, क्योंकि सबसे महंगा मोबाइल मेरी बड़ी वाली दीदी का खरीदाया था 17,000 का, और अब उसके बाद मेरा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं, अब इधर लाओ। प्रोफेशनल अनबॉक्सर नहीं हूँ, ये भगवान ये देख सकते हैं लाइट में आते ही ये ग्रीन कलर का होने लगा, वैसे गोल्ड कलर है ये। ये देखिए पूरी आईफोन वाली लुक आ रही है, ये देख सकते हैं ना आप। अब मेरी सारी वीडियो जैसी फोन शूट होगी, देखिए ये देखिए, इसके अंदर और ये कुछ नहीं, ये इसका कवर जो कि अभी लगा ही देते हैं, इसको एकदम संभाल के रखना है क्यों ये देखिए ये ईयरफोन है, ये चार्जर, नहीं नहीं ये ईयरफोन है, और ये इसका केबल है, सॉरी चार्जर का केबल, और ये ईयरफोन, ये सिम इजेक्टर टूल, और ये डोंगल। तो ये सब है इसके अंदर, अभी हमको मिला है। भगवान जी से मैं रोज़ प्रार्थना करता था कि मेरा मोबाइल खरीदा जाए,
भगवान जी देखिए मोबाइल आ गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा ऑन करते हैं। आगे दो कैमरा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आगे दो कैमरा है, पीछे तीन कैमरा है। 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 8 या फिर 2, पता नहीं दूसरा कितने मेगापिक्सल का है। 8 GB RAM और 128 GB स्टोरेज है। और बस मेरे को इतना ही पता है इस मोबाइल के बारे में। अभी स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो गया। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मोबाइल मेरा खरीदाया, मेरे को मेरा पहला प्यार मिल गया। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मम्मी बोलो, शेयर करें, हाँ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। अब अगली सारी वीडियो, होली व्लॉग चाहे कुछ भी, अब आपको इसी फोन से देखने को मिलेंगी। बाय। गाइस, मेरी दीदी बड़ी वाली। पापा को ऐसा लग रहा है मेरा फोन खरीदा गया नया। हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रीजा पूछो क्यों नहीं अच्छा क्यों लग नहीं रहा है? अच्छा लग रहा है? पैसा मेरा ना लगा। मैं बोला था ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है थर्सडे 17 मार्च, होली के एक दिन पहले का दिन। आज हमारे घर पे गुजिया और खजूर बनता है, तो वही मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये जब भी शूट करता हूँ ये बीच में आ जाती है। मेरी दीदी कुछ ना कुछ बजा देती है खटपट। और ये वाला अरे मतलब व्लॉग शूट हो रहा है मेरे नए मोबाइल से। तो मेरे नए मोबाइल का ये पहला व्लॉग है, और जिसकी क्वालिटी पिछले वाले मोबाइल से बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आप लोग बताइएगा वैसे कैसी लग रही है। वैसे तो ये मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, सेल्फी कैमरे से, लेकिन जल्द ही जब मेरा ट्राईपॉड आ जाएगा कुछ एक दिन में, कल परसों तक, तो मैं बैक कैमरा से शूट करूँगा, उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो चलिए अभी तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं बताएंगे ये क्या है। खोए है, खोए के अंदर नारियल का बुरादा है और चीनी है, पिसी हुई चीनी। चीनी पिसी हुई थोड़ा सा हाँ, और ये ज़्यादा गुजिया के अंदर की फिलिंग है। और यहाँ पे, यहाँ पर मेरा बेटा हाँ किशमिश और काजू डालकर नहीं खाता है। हाँ, इसीलिए काजू किशमिश नहीं है इसके अंदर। और ये गुजिए का मतलब मैदे का आटा है। गाइस, ये देख ही सकते हैं आप, गुजिया बन के तैयार है। और ये एक थे, ये लास्ट में थोड़ा सा लोई बचा था उसी का ये गुजिया थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। और कुछ कुछ ये खराब हो गए थे तो उसी का ये गोल गोल करके मैंने रखा है। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंटल कुकिंग करने, देखते हैं बन पाता है कि नहीं। मम्मी थोड़ा इसको चलाओ ना अच्छे से। ये आटा और खोआ एक ही में मिल गया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। शुरुआत के कुछ गुजिया बिगड़ गए थे मशीन खराब होने की वजह से। गुजिया मेकर हम लोग को मिल ही नहीं रहा था, फिर उसके बाद पापा जाके लेके आए बाहर से। काला हो गया लेकिन कोई बात नहीं, बाहर का फेंक के अंदर का खा लेंगे। अब वेस्ट तो नहीं ना कर सकते हैं इसको। बस थोड़ा सा और करके निकाल दो मम्मी। मैं, मम्मी और दीदी, हम तीनों ने मिलके ये गुजिया बनाए। सबसे ज्यादा मेहनत वैसे मम्मी ने की है, आप लोग देख सकते हैं मम्मी थक गई हैं पूरा बनाते बनाते। तो ये ऐसा बनाया हो गया। तो गाइस, गुजिया तो बन गया, अब खजूर बनेगा। अब मैं तो थक चुका हूँ, मैं तो अब आके लेट गया हूँ, अब मैं नहीं जाने वाला, मम्मी अब बनाएंगी, क्योंकि खजूर बनाना मेरे को नहीं आता। तो बस खजूर भी बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। पता नहीं मम्मी की मैं कितना दम है,
वो अभी तक नहीं थकी हैं, वो ही सबसे ज़्यादा गुजिया बनाने में काम की हैं, लेकिन अभी भी जा रही हैं खजूर बनाने। तो बस आप लोग को खजूर भी बन जाएगा तो दिखा देख हूं। सकते हैं यहाँ पे खजूर बन रहा है और ये दीदी ये गोल गोल कर रही है। मम्मी थोड़ा एक बार करके दिखाओ, मम्मी ऐसे 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 कर रही है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसको सांच कहते हैं। हाँ सांच कहते हैं। अच्छा इसको इस मशीन को मशीन। हाँ तो इस मशीन को क्या कहते हैं, सांच। हाँ सांच कहते हैं। ये अब ऐसा हुआ, शेप दिखाओ तो थोड़ा मम्मी। हाँ ये देखिए ऐसे शेप का, और ये इसके अंदर खजूर तल रहा है, और ये यहाँ पे खजूर तल के तैयार है। और मम्मी यहाँ चल गया तो यहाँ पे दीदी और मम्मी बना रही हैं, मैं रूम में सोया था, मैं तो थक गया हूँ गुजिया बना बना के। और ये देखिए ये वाला, ये लंबा वाला है, इसको क्या कहते हैं लंबे वाले को भी, ये वो खोसते हैं लंबा। अच्छा। वाला है गोल वाले है। अच्छा ये लंबा वाला खस्ता और वो गोल वाला, ये देखिए अब ऐसा ही ये सारा बन के तैयार हो जाएगा। अरे भक्त खजूर खा रहे हैं अभी, पापा तुम खस्ता। हाँ वही यार, पापा अभी खजूर खा रहे हैं, कैसा लग रहा है पापा? अरे सच बताइए, अच्छा लग रहा है। हाँ ये देखिए खजूर खस्ता, अभी खजूर भी बन गया है। एक दो घंटे आराम करेंगी मम्मी, और उसके बाद एक दो घंटे बाद फिर मालपुआ भी बनाना है, और फिर मालपुआ बनेगा। मालपुआ भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बन रहा है, और बस उसके बाद आज का ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। फिर कल ब्लॉग शुरू करूंगा होली के दिन। तीन चीज़ आज हमने बनाई, खजूर गुजिया और माल, और अब कल फिर होली है तो कल चिकन मटन बनेगा। तो बस बाय, कुछ ही देर में मिलते हैं। तभी हम लोग आराम कर ही रहे थे तब तक कॉल आ गया, ट्राइपॉड आ गया है, तो अभी मैं आप लोगों को ट्राइपॉड दिखाने वाला हूँ। और हाँ शर्ट आप लोग सोच रहे होगे कि टी शर्ट मेरा चेंज क्यों हो गया, तो यही मैं रात को पहन के सोता हूँ इसलिए मैंने चेंज कर लिया है। तो ये देखिए ये है मेरा ट्राइपॉड, अभी मैं इसको खोल के और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज ये देखिए ये है मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड, जो कि मेरे को पड़ा है 345 का। हाँ 345 का, और इसके साथ ये ट्राइपॉड, ये मोबाइल होल्डर, और ये एक ये पता नहीं ये क्या है, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं और मोबाइल में लगा के फिर देखते हैं क्वालिटी कैसी आ रही है, मतलब क्वालिटी नहीं कैसा लग रहा है हाथ में पकड़ के। तो ये देखिए यहाँ पे मोबाइल लगेगा, और इसको जैसे मन वैसे हम लोग मोड़ सकते हैं, ये देखिए। तो अभी इसको मोबाइल के साथ लगाता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस अभी ट्राईपॉड हाथ में है, और अभी मैं ट्राईपॉड से शूट कर रहा हूँ, मतलब मोबाइल के अंदर ट्राईपॉड है, मतलब ट्राईपॉड के अंदर मोबाइल है। बताइए कैसा लग रहा है? तो ये देख ही सकते हैं, पापा गए थे मार्केट और ये सब लेके आए हैं, ये फिर से ये, इन सब का नाम मेरे को नहीं पता, इसका नाम पता है, ये मैदा नमकीन है, ये भी सेव है, हाँ सेव, और ये खजूर, ये तो घर का बना खजूर है, और ये भी घर का बना गुजिया। फिर से ये देखिए, ये पता नहीं कोई नमकीन है, बहुत टेस्टी लग रहा है, ये भी एक नमकीन है, मस्त। फिर से ये हल्दीराम का नमकीन है। ये दो तरह के गुजिया, ये रस वाला है, और ये पता नहीं कौन सा है,
ये देखिए गुलाब जामुन, ये मिनी मिनी पता नहीं वाइट वाले गुलाब जामुन के पता नहीं क्या कहते हैं रसगुल्ले। ये मेरे फेवरेट हैं छोटे छोटे से, बहुत क्यूट और बहुत ही टेस्टी। और ये लास्ट बड़े वाले रसगुल्ले वाइट वाले। सो गाइज एक बार और अभी अभी पता चली है कि होली 18 को नहीं 19 को है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। गूगल भी बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में वो होली 19 को मनाया जा रहा है, और वही दिल्ली और मुंबई का जब गूगल पे सर्च किए ना तो दिखा रहा है कि 18 को है। ये पता नहीं कौन सा नया नाटक है। तो हम लोग के यहाँ के गांव पे भी और यहाँ के अगल बगल के लोग भी 19 को ही मना रहे हैं, तो हमारी होली 19 को ही मनेगी। मालपुआ गुजिया और खजूर आज ही बन के रखा रहे, और कल 18 है, कल बस सिंपल सा दिन होगा, परसों होली मनाएंगे, मटन चिकन परसों बनेगा। गाइस अभी मालपुआ बन रहा है और चाशनी, ये देखिए ये रहा मालपुआ का बैटर और ये चाशनी अभी बन रहा है। और इसके साथ खाने के लिए यहाँ पे कटहल की सब्जी बन रही है, आलू कटहल की। तो ये रहा कटहल, कटहल को पहले उबाल के और इसको भुना गया है, और यहाँ उबला हुआ आलू रखा है, और ये प्याज। तो चलिए आपको थोड़ा मोटा रेसिपी दिखाते हैं, मेरी मम्मी के हाथ का आलू कटहल का रेसिपी। सो गाइस ये देखिए अभी कटहल बन रहा है, कटहल की सब्जी। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके अंदर सरसों का तेल डला है। हमारा सब सब्जी हो या फिर नॉनवेज हो, सरसों के तेल नहीं बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि सरसों के तेल का खाने का बात ही कुछ अलग होता है। तो सरसों का तेल, उसके अंदर फिर लाल वाली मिर्ची और तेज़पत्ता, जीरा, फिर प्याज, और उसके अंदर अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और फिर उसके बाद मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब डाल के और अब भून रहा हूँ मैं। मम्मी ये सब डाल के चली गई हैं, अभी फिर आ रही हैं, किसी का फ़ोन आया है, फ़ोन से बात कर रही हैं। और यहाँ पे अब इसके बाद ये आलू डलेगा और कटहल डलेगा, और बस उसके बाद इसको अच्छे से मिला के ढक ढक के मीडियम फ्लेम पे पानी डाल के अब सब्जी बन जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ खाते समय। अब इसके बाद मालपुआ दिखाऊंगा और सब्जी अब सीधे खाते ही समय दिखाऊंगा आपको। गाइस अभी अपनी मम्मी आई और बताई हैं कि कटहल और आलू डालने के बाद इसके एक सीटी भी लगेगा पानी डालने के बाद, फिर उसके बाद ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस हमारा आलू कटहल का सब्जी बन के तैयार हो रहा है, बस पानी डल चुका है, अब इसके अंदर एक सीटी लगेगा। अभी अभी मम्मी ने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। ये पुआ बन रहा है, शुरुआत में ये तो टेढ़े मेढ़े हो गए थे क्योंकि बैटर मोटा हो गया था, फिर उसके बाद मम्मी ने दूध डाल के उसको पतला कर दिया, तो अब गोल मटोल बन रहा है। तल के और फिर चाशनी में डाला जा रहा है। तो गाइस अभी मैं मालपुआ और आलू कटहल की सब्जी खा रहा हूँ, ये देखिए जो कि बहुत टेस्टी है, और मम्मी अभी बना ही रही है। दीदी भी खा रही है, कैसा लगा दीदी? यम्मी। बहुत अच्छा था। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, होली प्रिपरेशन ब्लॉग को। मिलते हैं अगले वीडियो में, होली वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन में वीडियो डालूं तो मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।